नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ ऐसे प्रीनेटल सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान भी लेना चाहिए। ये प्रीनेटल यानी जो प्रेगनेंसी में बहुत आवश्यक पदार्थ होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फूड सोर्स में मिल जाते हैं, कुछ आपके डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे होते हैं तभी से लेने के लिए सलाह देते हैं। कुछ तो बहुत आवश्यक होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगी, सारे कवर नहीं कर पाऊंगी, बट उनका क्या महत्व है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मैं कहूंगी है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर फोलिक एसिड आपके बॉडी में कम रहा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी स्पाइन के बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये आप अपने खाने में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लेने की भी सलाह कर देंगे, क्योंकि हर रोज आप पालक नहीं खा सकते, हर रोज आप ऐसे पदार्थ नहीं खा सकते जिसमें फोलिक एसिड है। इसलिए एक सप्लीमेंट की तरह भी इसे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम आपके बोन डेंसिटी के लिए ही नहीं, बढ़ते हुए बच्चे के लिए यानी कि जब आप गर्भवती होती हैं तब आपके बढ़ते हुए शिशु के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पेट में कैल्शियम डिफिशियंसी होने से बच्चे के बोन्स भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। इसलिए कैल्शियम अगर आप ठीक से फूड में कंज्यूम नहीं कर पा रहे तो सप्लीमेंट्स की तरह अवश्य लीजिए। तीसरा है आयोडीन। आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन आपके थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आयोडीन की मात्रा आपके बॉडी में कम रही तो ये जो थायराइड का जो ऑर्गन है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। थायराइड के लेवल्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, ये प्रॉब्लम की वजह से आपको मिसकैरेजेस हो सकते हैं या स्टिल बर्थ यानी कि जन्म तो देंगे आप लेकिन बच्चा जीवित नहीं रहेगा, स्टिल बर्थ भी हो सकता है। तो ये डिफेक्ट्स आयोडीन की कमी की वजह से हो सकते हैं। यही नहीं, बच्चे का ठीक से ग्रो नहीं हो पाना, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि ब्रेन का ठीक से डेवलप नहीं हो पाना, सुनाई नहीं देना, ये सब प्रॉब्लम्स आयोडीन अगर ठीक से ना हो आपके बॉडी में तो हो सकता है। आयोडीन आप नमक में भी ले सकते हैं, इसे सप्लीमेंट की तरह भी प्रीनेटल सप्लीमेंट्स के रूप में भी दिया जाता है। उसके बाद आता है आयरन। आयरन की मात्रा अवश्य बॉडी में जो नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए उतने रहने चाहिए, क्योंकि आयरन से ही रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। यही नहीं, आपके शिशु के बॉडी में भी रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर ये रेड ब्लड सेल्स ही कम रहे तो आपके बच्चे तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए आयरन की मात्रा अवश्य बैलेंस्ड रखिए, ठीक से रखिए, या आप अपने खाने में भी इंक्लूड कर सकते हैं या सप्लीमेंट की तरह भी ले सकते हैं। ऑफकोर्स ये सब आपके डॉक्टर आपके लेवल्स चेक करने के बाद ही आपको सलाह देंगे। अगला होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर इस सप्लीमेंट की मात्रा कम हो तो प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चे में वजन कम होना पैदा होने के बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड कम होने के कारण हो सकता है। इसलिए आपको अपने बॉडी में खाद्य पदार्थ से इसे सप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप उन चीजों को पसंद नहीं करते तो सप्लीमेंट्स की तरह भी उसे आप ले सकते हो। फिर आता है कोलीन। कोलीन हर सप्लीमेंट में होता नहीं है, जो प्रीनेटल सप्लीमेंट टैबलेट्स होते हैं सब में होता नहीं है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा। ये हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूंगी प्रोटीन। प्रोटीन आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हो। अगर ठीक मात्रा में नहीं ले रहे हो, बॉडी में कम है किसी कारणवश, तो उसे आप सप्लीमेंट की तरह भी ले सकते हो। ये याद रखिए कि प्रोटीन एक ईंट की तरह है। प्रोटीन ईंट से ईंट बनके ही एक घर जैसे बनता है। बॉडी के पार्ट्स भी, बॉडी के सेल्स भी, टिश्यूज भी, ऑर्गन्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। सेल डिवाइड होना, डिफरेंशिएट होना, विविध ऑर्गन्स में बदलना, बॉडी का डेवलप होना, बच्चे का ग्रो होना, सब कुछ प्रोटीन्स की वजह से होता है। इसलिए अगर आप प्रोटीन्स ठीक से नहीं ले रहे तो बॉडी ठीक से डेवलप नहीं होता है, आपका बॉडी भी हेल्दी नहीं रहेगा, आपके बेबी का बॉडी भी हेल्दी नहीं रहेगा। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले से ही प्रोटीन ठीक से कंज्यूम कीजिए, प्रेगनेंसी के दौरान भी ठीक से प्रोटीन लेवल्स आपके आहार में होने चाहिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।